नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सोलर प्लांट लगाकर युवाओं को रोजगार देगी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसमें 3 बीघा या 6 कैनाल भूमि के मालिक को इसके साथ जोड़ा जाएगा। सरकार प्लांट लगाकर हर माह युवाओं को 20,000 रूपए देगी। इसके लिए भूमि मालिक के साथ 25 वर्ष का करार किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नौणी विश्वविद्यालय में 12वें दीक्षांत समारोह में कही। सरकार के 1 साल के जश्न में खलल नहीं डालेगा मौसम, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 साल के जश्न में मौसम खलल नहीं डालेगा। 11 दिसंबर को धर्मशाला सहित पूरे प्रदेश में धूप खिलेगी। प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। रविवार को भी मौसम साफ रहेगा। 12 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कांगड़ा लाहौल ने बढ़ाया हिमाचल कमान, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2023 में जीते पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2023 समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिले के बीच बिलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य स्वर्ण श्रेणी और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति के लिए सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कार जीते। किरतपुर मनाली फोरलेन पूरा होने में लगेगा 1.5 साल। हिमाचल में भारी बारिश से हुई तबाही का असर कीरतपुर मनाली फोरलेन पर भी पड़ा। इसको बनाने में अभी 1.5 साल का वक्त लगेगा। मंडी के सुंदरनगर से मनाली तक फोरलेन को कई जगह दोबारा बनाना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे जून 2024 तक तैयार करने का टारगेट रखा था, मगर अब ये 2025 तक पूरा हो पाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सैंज में किया 3 पुलों का उद्घाटन, बोले दुर्गम क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाना मेरी प्राथमिकता। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के सैंज पिन पार्वती नदी पर बने 3 पुलों का उद्घाटन किया। लोक निर्माण मंत्री के इस दौरे के दौरान सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम से पूर्व विधानसभा प्रवेश द्वार लारजी से लेकर न्यूली तक जगह जगह पर मंत्री और सांसद का लोगों ने स्वागत किया। लक्ष्मी नारायण मेला मैदान सेंज में आयोजित जनसभा करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। केंद्र की मदद के बिना कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे सकती प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर प्रदेश की मदद ना करे तो ये सरकार कर्मचारियों को वेतन भी ना दे पाए। वो शनिवार को दून हल्के के कंडोल में भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ लोगों के बीच में आए हैं। 12 दिसंबर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद करेंगे कंगना रनौत, पंजीकरण अनिवार्य। अभिनेत्री कंगना रनौत प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद करेंगी। वो विश्व संवाद केंद्र न्यास हिमाचल की ओर से 12 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाली हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया मीट में शिरकत करेंगी। ये जानकारी विश्व संवाद केंद्र के प्रदेश मीडिया प्रभारी कमल ठाकुर ने दी। अनुराग ठाकुर बोले, सोनिया राहुल के लिए कमाने वालों के पास काला पैसा कहां से आया। आखिर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए कमाई करने वालों के पास काला पैसा कहां से आता है। कांग्रेस की एक सांसद के पास 300 करोड़ की नकदी बरामद हुई, आखिर ये नोट कहां छापे जा रहे थे। हिमाचल दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के रंगस में ये बात कही। वो यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नोटबंदी, ईडी और सीबीआई के लिए आवाज उठाती है, अब देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई कि आखिर सोनिया और राहुल के लिए कमाई करने वालों के काला पैसा कहां से आता है। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का अद्भुत संकल्प, विकास भारत यात्रा में बोले नंदा।
चौड़ा मैदान शिमला में विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। ये बात भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने विकास भारत यात्रा के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही। कर्ण नंदा ने कहा कि ये रथ नहीं अपितु मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इस रथ में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं का पूरे देश भर और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाभ हो रहा है। ये रथ पूरे प्रदेश में पंचायत से पंचायत और ब्लॉक से ब्लॉक घूम रहा है, घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए ये रथ संकल्पित। रेल के लिए संग्राम, पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर 6 महीने से नहीं चली ट्रेन, जनता ने किया प्रदर्शन। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर पिछले 6 माह से बंद पड़ी रेलगाड़ियों की बहाली को लेकर नव भारत एकता दल के अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा के नेतृत्व में मेघराजपुरा रेलवे स्टेशन पर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया। अमलेला पंचायत के प्रधान देशराज जरियाल के नेतृत्व में जनता ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की लापरवाही के खिलाफ नारे लगाते हुए रेल मंत्री से त्यागपत्र की मांग की। पनोवासला गांव के लोग उल्टी दस्त की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल भेजे जांच के लिए। जिले के पनो और आंसला गांव के लोग उल्टी व दस्त की चपेट में आ रहे हैं और यहां इसके करीब 25 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वहां के पानी को सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया। विभाग ने वहां मेडिकल ऑफिसर और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की तैनाती कर दी है ताकि वो पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य चेकअप समय समय पर करें और दवाइयां भी मिल सके। खेल का शौक रखने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, छुट्टियों को लेकर किए गए खास इंतजाम, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। खेल का शौक रखने वाले खिलाड़ियों के लिए इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला में खास इंतजाम किए गए। इसके लिए आवेदक 11 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट की 2 कैटेगरी निर्धारित की गई है। 100 रूपये के प्रवेश शुल्क के साथ स्कूल विद्यार्थी 300 रूपये में बैडमिंटन और कराटे सीख सकेंगे, वहीं 400 रूपये में जिम तो 200 में वॉलीबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। हिमाचल में कांग्रेसी एमएलए मंत्री पर कमीशन खोरी के आरोप। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लाहौल स्पीति से कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिमला के मंदिर में छेड़छाड़ मामले में नया मोड़। हिमाचल के शिमला में जिस महिला ने एक मंदिर के पुजारी पर अश्लील हरकतें और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए थे, पुलिस ने अब उस महिला के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। एसएचओ बालूगंज दीपक ने बताया कि पुजारी विनोद शर्मा की मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पावटा साहिब के बद्रीपुर में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस थाना पावटा साहिब के अंतर्गत बद्रीपुर क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।